नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। मेरा नाम है वो दोस्तों मोहित शर्मा, और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शायद ये सवाल आपको दोस्तों थोड़े से मुश्किल लगें, या शायद ही आपको ये सवाल थोड़े से आसान लगें। तो उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक जानकारी, आपके लिए दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको फ्री डेमो क्लासेस रहेंगी, और इसी में जो आपके सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं, HP GK, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल GK, इंग्लिश, हिंदी एंड दोस्तों काफ़ी और सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपके HPP SSB और जो HPP SC, ठीक है, में कवर किए जाते हैं, यानी शिमला बोर्ड और हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। और जैसे कि कंडक्टर भर्ती हो गई आपकी, और क्लेरिकल के जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए, तो दोस्तों उनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग आपको कोर्स दोस्तों प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको घर बैठकर ही पढ़ाई करनी है, आपको आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लगा पाते हैं बाई चांस, तो आपके लिए दोस्तों रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, तो आप जितना भी सोशल मीडिया है वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के कुछ सवाल की। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कित बंधीय कंटीले वन प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित हैं, यानी टेम्परेट ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास नालागढ़, पचाड़, लाहौल एवं स्पीति, ऑप्शन डी सभी में। ध्यान से सुनना दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर आएगा, कटिबंधीय की जगह। कई बार दोस्तों हिंदी में HP GK में आपने ध्यान रखना है कि कई बार इसी तरह से आता है। अगर आपने कभी सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम दिया होगा क्लेरिकल का, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि अजय देव की जगह, अजय देव की जगह जो आया था दोस्तों वो आ गया था अजय डे, इस तरह से अजय डे। तो कई बार दोस्तों ऐसा भी आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नालागढ़ में भी, पचाड़ में भी और लाहौल स्पीति में भी। देखिए दोस्तों इन सवालों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको उत्तर ही बताऊँगा। आगे चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रदेश के नाहन एवं होशियारपुर क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी नाहन में और होशियारपुर में कौन से ऐसे पेड़ हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है चीड़, देवदार, साल या पीपल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये दोस्तों साल पेड़ की, तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए, प्रदेश में सबसे अधिक अदरक किस जिले में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों अदरक पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका दोस्तों सिरमौर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। आगे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो आपने बताना है कि कौन सी मछली पाई जाती है। ऑप्शंस ए महाशीर, मिरर कॉर्प आता है कई बार दोस्तों लिखा हुआ, कई बार मिरर ही आता है, तो मिरर कॉर्प भी आता है, ट्राउट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता लग ही गया कि बी तो होगा ही, तो दोस्तों ए और सी भी होगा, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा भी जाता है कि महाशीर क्या है, मिरर कॉर्प क्या है, ट्राउट क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये फिशेस के टाइप हैं। और दोस्तों अगर आप मुझे बताएं कि घोड़े का नाम हिमाचल प्रदेश में है जिसमें लवी मेले में उसका व्यापार किया जाता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना। आगे चलिए, हिमाचल प्रदेश का स्थान ब्रह्मपूरक बिलासपुर में जो पड़ता है, ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, खनिज तेल के लिए, स्लेट के लिए, अभ्रक के लिए या सिलिका रेत के लिए। कई बार दोस्तों याद रखना, कई बार आपको सिंपल सवाल ही पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में या किस जगह में जो है ये चीज़ पाई जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना दोस्तों, ब्रह्मपुखर जगह जो बिलासपुर में पड़ती है, यहाँ पर दोस्तों सिलिका रेत पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी सिलिका रेत है। अगला सवाल, प्रदेश में किन्नौर किस स्थान पर चांदी उपलब्ध है,
यानी कि प्रदेश के किस स्थान पर किन्नौर जिले में चांदी उपलब्ध है। ऑप्शन है दोस्तों चरागाह, कल्पा, पूह या सभी में। दोस्तों हमेशा याद रखना है ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है चरागाह में, किन्नौर में किस जगह पर, चरागाह में। कई बार दोस्तों आपको सवाल डायरेक्टली पूछा गया है कि पूह कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों जो पूह पड़ता है ये भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। आगे चलिए, प्रदेश के मंडी जिले में स्थित नमक की खाने वर्तमान में किसके नियंत्रण में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी के दरंग क्षेत्र में दोस्तों, मंडी के दरंग क्षेत्र में जो है नमक की खाने हैं, या गुम्मा गुम्मा भी बोल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके अंडर में है, नियंत्रण में है, निजी क्षेत्र, केंद्रीय सरकार, विदेशी कंपनी या राज्य सरकार। तो दोस्तों सेवंथ का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार के। अगला सवाल, प्रदेश के पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता कब प्राप्त हुई। कब जो था ये पिन घाटी नेशनल पार्क जो है दोस्तों, इसको मान्यता प्रदान की गई। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो पिन घाटी नेशनल पार्क है ये पड़ता कहाँ पर है, तो ये पिन घाटी नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये है स्पीति में। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, स्पीति में पड़ता है ये, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस हैं जनवरी 1985, जनवरी 1987, दिसंबर 1990 या फरवरी 1992। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 9th of January 1987 को जो पिन घाटी नेशनल पार्क है उसे मान्यता प्रदान हुई। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि जो हमारे 5 नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदेश में उत्पादित होने वाली सेब की किस्म नहीं है। ऐसी कौन सी किस्म है जो सेब की नहीं है, बाकी सारी तीनों किस्में दोस्तों इन चार ऑप्शंस में सेब की हैं। शेरवाजी, जोनाथन, ब्यूटी ऑफ बाथ या रोम ब्यूटी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखना, बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कई बार दोस्तों एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये दोस्तों जो मैंने सवाल का मीडियम रखा है, ये मैंने ना तो ज़्यादा आसान रखे हैं ना ही ज़्यादा मुश्किल रखे हैं, ये बिल्कुल मीडियम से सवाल रखे हैं। इसी के साथ दोस्तों इसी तरह से हम सवालों को देखते जाएंगे और अपना लेवल आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में प्रदेश का सबसे बड़ा जो फल प्रसंस्करण कारखाना किस स्थान पर स्थित है, यानी कि इन हिमाचल प्रदेश वेयर इज द फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इज लोकेटेड एंड दिस फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज द लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग प्लांट इन हिमाचल प्रदेश। तो वो कहाँ पर स्थित है, चंबा, बड़सर, भरमौर या परवाणु। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, परवाणु। और ये परवाणु पर था दोस्तों आपका सोलन में। हमेशा याद रखना दोस्तों, सोलन से आपने एक ही चीज़ याद करनी है, उनके औद्योगिक केंद्र, कि सोलन में जो आपके औद्योगिक केंद्र हैं वो आपने दोस्तों ज़रूर याद करने हैं, जैसे बरोटी वाला, ठीक है, जैसे बद्दी, ये चीज़ें दोस्तों आपने ज़रूर ही याद करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 सवाल जो आपसे पूछने थे। आपका दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करवाइएगा, लाइक ज़रूर करवाइएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आपका इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से